बस क्या होना था बेटा, मकान में जो है ना पानी घुसा हुआ है भाई, पूरा दीवारें जो है ना दराज आ चुका है, रहने का काबिल नहीं है। अच्छा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये एक टूटी फूटी टेंट मिला है, तो अभी नीचे ये कब्रिस्तान है, पूरा ये एरिया पूरा कब्रिस्तान है, बस इधर जो है ना टेंट लगा के बैठा हुआ है। ये कब्रिस्तान है? हाँ, नीचे कब्र है, ये जो पत्थर है ना ये कब्र का पत्थर है। अच्छा, ये पूरा एरिया कब्रिस्तान है। जी बेटा, तो ये मेरा घर है। तो जो परसों रात को जो है ना अचानक से सैलाब आया था 2 बजे, हमें जो है ना तकरीबन 3 बजे पता चला, फिर जो है ना पूरा घर पानी से भर गया था। नीचे जो है ना कोई मुर्गी जो है ना बकरी भेड़ बकरी रखे हुए थे सारे, कोई 5-6 मुर्गियाँ मर गई, बाकी जो है ना सारे कमरों में नीचे स्टोर में जो है ना भूसा रखा हुआ था, दूसरे जगहों पर हर जगहों पर पानी भर गया। ऊपर से जो है ना आटा रखा हुआ था हमने जो है ना बक्सों में, उनके अंदर भी पानी गया, पूरा आटा ज़ाया हो गया है। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? तुम भी आज स्कूल गया था ना दोस्तों? मुझे पेट में दर्द हुआ ना, इसलिए आज मैं जल्दी वापस आई हूँ। तो अभी मुस्कान अभी तक नहीं आए हैं, कहाँ गया पता नहीं। तो अभी मैं दरिया के पास नहीं गया हूँ, तो पता नहीं दरिया की क्या सूरत हाल होगा। तो अभी कुछ देर बाद हम दरिया की सूरत हाल को देखने के लिए जाएंगे और सैलाब की सूरत हाल को देखने के लिए जाएंगे। तो आज फिर ना हमारे रात हुए ना, तो और लड़के दो ना लड़के सब उठे रहे, खुदा ना खास्ता खतरा नहीं हो जाए इसलिए। ओ मुस्कान झूठी हो, किस स्कूल से आई है? जी देखो, अस्सलाम वालेकुम, आप स्कूल से आई है? हाँ। सुकून में अच्छा हुआ नहीं हुआ? हुआ। अच्छा अच्छा, आज सुकून में आपने क्या पढ़ा? ABC पढ़ा। अच्छा, आप गुलमुलू हो? नहीं, मैं गुलमुलू नहीं हूँ। हो? नहीं, बिल्ली है आप। भाई आप सुकून में क्यों नहीं आया? मैं ना सुकून में गया था तो पेट में दर्द हुआ तो आ गया यहाँ। अच्छा, भाई को बुखार हुआ था? बुखार नहीं, पेट में दर्द हुआ था। भाई मैंने शराब नहीं किया, मुझे दो। आसान को नाजरीन के साथ सब उम्मीद हरिया सुनेंगे। ये देखो भाई, अब बार बार ये घर जाना है, ये अच्छे से फूल है देखो। अभी ये फूल दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है देखो। आ, आ, ये देखो मुझे बेसन ने टूट गया है। A few minutes later. मच्छी ने मुस्कान को काट दिया था, इसलिए रो रही थी यार। ये देखो इस फूल से मुस्कान ने ऐसे कर दिया तो मक्खी ने छुश काट दिया ना, तो मुस्कान ऐसे रो रही थी। तो यार हमारे गांव में सैलाब आ गया, फिर भी मैं मजा क्यों कर रहा हूँ यार? मुस्कान क्यों रहे आप? अभी चलो सैलाब वाले जगह पे चलते हैं। ओ नूरन, सुकून से छुट्टी हो क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ गया था? सुकून। सुकून में गया था? अच्छा अच्छा, तो अभी मैं पहुँच गया हूँ जी। मैंने कहा था ना कल जो बंद टूटने वाला है, तो अभी आप साथ ने दुआ किया तो थोड़ा पानी खत्म होने वाला है। देखो देखो, वरना ना ये बंद तोड़ के वहाँ जाता। देखो अभी थोड़ा थोड़ा पानी आया, फिर भी खतरा तो अभी भी है। मैंने आपको कहा था एक बंद बनाओ, फिर हम आपको कुछ नहीं कहते। एक बंद बनाओ ना, फिर मैं आपको कुछ नहीं कहती। तो देखो यार, कल की नस्बत आज थोड़ा पानी कम हो गया। चलो अल्लाह खैर करे, आज तो नीट अच्छा आएगा। ये वो देखो, सैलाब की वजह से ना उस साइड पे ये उधर ना भलक हो गई है। देखो तो अभी देखो ना उस पहाड़ से ना, देखो मैं अभी दिखाता हूँ उस पहाड़ से पत्थर आने की वजह से ना ये खंभा ना नीचे हो गया। देखो
ये खंभा ना टूट गया है, तो अभी ये सारे बिजली वाले इधर आके ये खंभा बना रहे हैं। दो तीन दिन बिजली नहीं आएगा फिर आएगा। तो ये देखो ये अंकल लोग दिन रात बाहर ये बिजली आने की कोशिश करता है। देखो ये खंभा टेढ़ा टेढ़ा हो गया। कल रात ना सिग्नल भी नहीं था, बिजली भी नहीं था। देखो तो अभी ये अंकल लोग सिग्नल आने की कोशिश कर रहा है। खंभा भी उड़ गया था, सिग्नल भी उड़ गया था। मेरा मतलब है ये सिग्नल नहीं आया था और कुछ भी नहीं आया था। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपने गांव के लोगों के लिए पानी का निजाम क्या हुआ है, अभी काम हो रहे हैं। देखो पहले एक हफ्ते से काम जारी है। देखो जी इंशाल्लाह कुछ दिनों में साफ पानी आना शुरू हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं फाइनली उस जगह पे आया हूँ, उधर सैलाब आया हुआ था। देख सकते हैं यहाँ से पानी टूट गया था। ये एक वाटर चैनल बना हुआ था ना, वो भी टूट गया यार। देखो ये हमारे गांव वालों ने अपनी मदद आपकी तहरी बनाया है। ये अच्छा वाला बंद नहीं बनाया है, टाइम पास वाला बंद बुरे में मछली डाल के फिर पानी को बन गया। जब तक अच्छा बन नहीं होगा इस बेचारे बन से क्या होगा। ये देखो यहाँ पे लोगों ने वहाँ टेंट भी लगाया हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पे पानी अपने घरों में दाखिल हो गया था ना, सबके घरों में, इसलिए यहाँ टेंट लगा हुआ है। ये देखो यार हमारे गांव के लोग कहाँ जाए यार, इधर जाए तो पहाड़ है पत्थर आते हैं, उधर जाए तो दरिया है पानी आते हैं। यहाँ पे एक बाबूजी है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं आप? ये जांच भी नहीं पिंजू, मैं ये तरपाल लपेट के इसको संभाल रहा हूँ। अच्छा, ताकि ये जलदारू उतारा था। अच्छा, इसलिए इसको संभाल रहा हूँ। अच्छा, इसको लपेट के तय करके घर ले जाने के लिए। अच्छा, तो ये है वो घर जिसमें पानी भर गया था। अभी हम इसके अंदर जाके देखते हैं जी। ओ इसमें कौन है? ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? क्या हाल है शहर? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका घर है? जी ये मेरा घर है। तो जो है ना परसों सैलाब आया था। हाँ। इसकी वजह से अभी ये सारे दीवार हमने इधर से आगे जो है ना वो नीचे खुदाई करके पानी सारा बाहर निकाल दिया है। हाँ। ये स्टोर है, स्टोर के अंदर सारा सामान हमने बाहर निकाल दिया, आटा शाटा ये वो सारी चीज़ें इसके अंदर ज़ाया हो गया था। ये इस तरह के कोई 8-10 मुर्गे मर गए। इसको कहाँ फेंका फिर? इनको जो है हमने बाहर फेंक दिया, आधे जो है ना कौओं ने उसने खा लिया। अच्छा। बाकी ये किधर पड़ा हुआ है, भूसे के अंदर पड़ा हुआ था। ये सारा किरक आ गया ऊपर से नीचे तक। तो अभी हम इसके अंदर नहीं बैठ रहे, सारा सामान खाली किया है घर से, ऊपर टेंट लगा के कब्रिस्तान में बैठ रहे। अभी 3 महीने की मेरी बेटी पैदा हुई है, वो भी हम उधर कब्रिस्तान में ले जाके उधर बैठ रहे। घर पूरा टूटा हुआ है, खाली किया है, लेकिन कोई वो इमदाद नहीं है अभी घर बनाने के लिए। तो किरेक आ गया और देखो गिरने का खतरा है। ये भागो। तो अभी उन्होंने इधर किचन बनाया हुआ है, देखो इधर कुछ पकाया हुआ है। तो यहाँ पे भी एक टेंट लगा हुआ है, हम इसमें देखते हैं इसमें कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप बेटा? क्या हाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आपको क्या हुआ? बस क्या होना था बेटा, मकान में जो है ना पानी घुसा आया हुआ है। हाँ। पूरा दीवारें जो है ना दराज आ चुका है। हाँ। रहने का काबिल नहीं है। अच्छा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये एक टूटी फूटी टेंट मिला है। अच्छा। तो अभी नीचे ये कब्रिस्तान है, पूरा ये एरिया पूरा कब्रिस्तान है, बस इधर जो है ना टेंट लगा के बैठा हुआ है। ये कब्रिस्तान है? हाँ, नीचे कब्र है, ये जो पत्थर है ना ये कब्र का पत्थर है। अच्छा। ये पूरा एरिया कब्रिस्तान है। अभी इस किस्म का जो है ना छोटे छोटे 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो इन बेचारों को जो है ना दूध का भी बड़ा मसला है। अभी घर में नहीं रह सकते हैं, घर में बिल्कुल जो है ना दरारें आ चुका है, दीवारें सारे जो है ना ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ हाँ मैंने देखा था, नीचे पानी आया हुआ है ना। हाँ जी। तो हमारा जो है ना देसी जो RCC के भी बनाते हैं, तो हम उसका लकड़ का जो है ना सुतून लगाते हैं। अच्छा। तो वो सुतून जो है ना नीचे बैठ गया है।
अंकल आप परेशान मत हो, मैं आपकी आवाज़ को ऊपर पहुंचाने के करूंगा। बड़ी मेहरबानी बेटा, बहुत शुक्रिया। सिराज आप हमारा हीरो है, आप हमारा फख्र है। अभी हमारा घर का जो है ना, वो जो उसमें देखा है देसी हमारे जो रगम होते हैं ना, उसमें पूरा आटा हुआ था, वो पूरा पानी में जो है ना अभी इस वक्त जो है ना पूरा खंभीर बना हुआ है। तो यहाँ के लोग देखो कितने मुश्किल में इस वक्त इस तरह के छोटे छोटे टेंट में लोग रह रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हमारे गांव में कितना खतरा हो गया और कितना उस पहाड़ से सैलाब आ गया। तो मेरी आप सबको एक मैसेज है और डक्की भाई और रजब भाई के लिए और मैसेज है। तो डक्की भाई और रजब भाई आप लोग बहुत अच्छे व्लॉगिंग बनाते हैं ना, प्यारे प्यारे व्लॉगिंग है ना। तो आप लोग भी शुभश्री बांगा से कहो ना हमारे यहाँ पे एक बड़ा सा मजबूत संबंध बनाओ, क्योंकि आप लोग प्यारी प्यारी बातें करते हैं और मुझसे भी प्यार करते हैं ना। तो डक्की भाई और रजब भाई आप कहो ना शुभश्री बांगा से प्लीज, ताकि हमारे गांव में एक पक्का 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 संबंध बनाए, ताकि हमारे गांव में ना अच्छे से लोग काम करें और लोग खेलते रहें। तो ओके दोस्तों, आपको एक आज की एक छोटी सी वीडियो पसंद आए होगी, पसंद आए तो ओके दोस्तों अलग मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना।